नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग कैजुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों हम लोग बहुत खुश थे, रिजल्ट आया, उसके बाद टाइपिंग का भी रिजल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा खुश थे। उस समय एक चैनल था टेक्निकल हेल्पिंग गौरव करके एक चैनल था, और इसके अलावा स्पाइनेट गुरुजी थे, एक और चैनल था जॉब वाले भैया। ये समय समय पर कुछ ना कुछ जो भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो तो देते रहते थे, लेकिन दोस्तों अब 2 साल हो गए, सरकार अपना काम समय समय पे करती रहती है, जैसे BPSM के द्वारा एजुकेटिव असिस्टेंट यानी कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग अब नहीं होगी, अब बेल्ट्रॉन से होगी। इसमें कार्यपालक सहायक दुखी हो जा रहे हैं, बेल्ट्रॉन वाले खुश हो जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार फिर बोलती है कि 3800 समथिंग राजस्व विभाग में पोस्ट खाली है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के ही हैं, और ये बहाल हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराएंगे। लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो 1 महीना 2 महीना 2-2 साल लग जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और हम लोग भी कम नहीं हैं, महीना में 2-3 बार गूगल मीट कर लेंगे, और नहीं तो ट्विटर अभियान रख देंगे, और ये करने के बाद खुश हो जाएंगे कि अब क्या, अब तो सरकार तक हमारी बात पहुंच गई है, अब तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ करने से होने जाने को नहीं है, हमको एकजुट ही होना होगा। दोस्तों आप कार्यपालक सहायक हो या बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का सुनते हैं कि BPSM वाले कार्यपालक सहायक की खिंचाई कर रहे हैं, तो कभी कार्यपालक सहायक बेल्ट्रॉन की खिंचाई कर रहे हैं, कब तक अपने में आप बहसबाजी करते रहेंगे, इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। अभी तो एजुकेटिव असिस्टेंट का जो ज्वाइनिंग कर चुका है, जो काम कर रहा है, उसको रिटर्न एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, क्या पता उनका भी इसी तरह एग्ज़ाम हो, ये तो बहुत गलत बात है। दोस्तों अब हम सबको एकजुट होना होगा। हमारे ये हेल्पिंग गौरव जी जो थे वो भी पहले इतना सपोर्टिव थे कि ये ग्रुप बना है जो 60 साल तक रहेगा, जब तक आप नौकरी करेंगे। अब उनको क्या हो गया है वो भी अब कुछ नहीं बताते हैं, कुछ अपडेट नहीं देते हैं, हो सकता है उनका काम हो गया हो इसलिए अब वो शांत हो गए हैं। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, अगर आप जिम्मा लिए हैं तो आगे बढ़िए लेकर। दोस्तों इसमें एक स्पाइनेट गुरु जी हैं, वो उनका भी यूट्यूब चैनल ही है, वो बहुत मोटिवेटिव आदमी है, हमेशा मोटिवेट ही करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मुख्य रूप से 3 ही चैनल को देखा जा रहा है अभी, एक हो गया जॉब वाले भैया हो गए, स्पाइनेट गुरुजी हो गए, और ये हेल्पिंग गौरव। मैं आप तीनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अब हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं, कुछ ऐसा अब तरीका निकालना होगा हम लोगों को जिससे कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी हो सके, शांत बैठने सब कुछ होने जाने को नहीं है। दोस्तों हमारे जो भी ग्रुप एडमिन है ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचे, तभी कुछ हो सकता है। और इसके अलावा जो भी आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्या करना चाहिए इसके बाद, अब इतना दिन हो गया बैठे हुए, अब क्या करना चाहिए, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, आप इस वीडियो को चारों ओर शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर एक वो कैंडिडेट तक पहुंच जाए जो ज्वाइनिंग का भी वेट कर रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।